अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले सभी लोग का खैर मकदम है। ये प्रोग्राम कोविड 19 एंड यूनानी मेडिसिन सीरीज अवेयरनेस एक्टिविटीज जनवरी से हम लोग इस प्रोग्राम को प्रसंसल कर रहे हैं। इसका दो पार्ट होता है। मैं अपने स्पीकर को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट हम लोग जनरल अवेयरनेस लेक्चर्स करते हैं जो ओपीडी प्रैमिसेस में हम लोग करते हैं पेशेंट्स के लिए, और साथ में जो उनके अटेंडेंट और खुद के हेल्थ वर्कर्स के लिए कोविड जो है उसके लिए क्या हम लोग हेल्दी प्रोटोकॉल्स लें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उससे बच सकें और प्रिवेंटिव वे पे हम इनको जिसका फैलाव है उसको रोक सकें। एक तो ये, और दूसरे एक हमने साइंटिफिक लेक्चर सीरीज शुरू करी कि हालांकि बहुत कम प्रेजेंटेशन और एक्टिविटीज यूनानी पे हुई कोविड को लेके, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल पटना की तरफ से, उसके थ्रू हम लोग पूरे इंडिया में यूनानी से रिलेटेड लोगों ने भी यूनानी से रिलेटेड कोविड-19 पे जो काम किया है उसको हम इस लेक्चर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी की एक सीरीज है। उस सीरीज में हम लोग जो है ना, आज के गेस्ट डॉक्टर मलिक इतर साहब हैं जिन्होंने खास के आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि इम्यूनिटी के लेके CD4 काउंट बढ़ाने के लिए त्रिया के वबाई का जो जिक्र आया तो आपका रिसर्च उसी पे रहा है। डॉक्टर मलिक साहब ब्यूमेस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से, और आपने MD करा है PhD में तहफुजी समाजी तिब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर से। आप वहीं टीचिंग में हैं और साथ साथ जो NIM जाना जाता है अपने रिसर्च के लिए, बहुत ही फाइनेस्ट और इनोवेटिव टाइप के रिसर्च आप करवा रहे हैं। 10 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है अभी तक, 10 के आसपास ऑलमोस्ट 10 थीसिस इन्होंने जो है सुपरवाइज करी है, 50 से ज्यादा इनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, और फिर दो बुक आई है अभी रिसेंटली, एक बुक आई है मैं उसको आपको शो करूंगा, इनकी बुक रिलीज हुई है। उसके अलावा बहुत सारे पेपर, 25 से ज्यादा जो सेमिनार्स हैं उसमें इन्होंने पेपर प्रेजेंट करा नेशनल इंटरनेशनल्स में, बहुत सारे एकेडमिक काउंसिल्स के मेंबर हैं, और आप मेंबर हैं एक बॉडी है आप एपिडेमियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। इसी तरह से आप बहुत सारे रिप्यूटेड जर्नल्स जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं उस जर्नल के आप उसमें रिव्यू बोर्ड में भी हैं और आप एडिटोरियल में हैं, बहुत सारे पेपर्स आप रिव्यू भी कर चुके हैं। जो थ्रस्ट एरिया है पब्लिक हेल्थ, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर इनके जो पब्लिक हेल्थ को लेके, यूनानी में इम्यूनिटी को लेके आए हैं, जैसे यूनानी मेडिसिन एंड हेल्दी लिविंग, एंटी एजिंग ड्रग्स इन यूनानी मेडिसिन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड यूनानी मेडिसिन नीड ऑफ आवर, इस तरह से इनकी रिसर्च है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड एट स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स, इवेल्युएशन ऑफ त्रिया के वबाई इन इम्यूनो मॉड्यूलेटेड, CD4 काउंट का जो मैंने जिक्र किया जो बहुत ज्यादा जिसका जिक्र भी हुआ कोविड के दौर में कि हमारी त्रिया के वबाई बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो पहला रिसर्च डॉक्टर मलिक साहब का ही है जो इन्होंने NIM में करा था कि किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, CD4 काउंट जो है उसको बढ़ा देती है। इसके साथ साथ मेथड ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड डिजीज प्रिवेंशन यूनानी मेडिसिन, खास के हिफ्जान सेहत को लेके यूनानी में जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन का, वेलबींग का, उस पर बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स हैं। कुछ पेपर्स आप देख सकते हैं कि जैसे पे है, ये जो पेपर जो मैंने जिक्र करा इवेल्यूशन ऑफ यूनानी मेडिसिन यूनानी पॉली फॉर्मुलेशन त्रिया के वबाई इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे, इम्यूनो स्टिमुलेटर के तौर पे, ये बहुत ही रिसर्च मकबूल रहा है इनका। और खास के जो आज का टॉपिक है इनका, उस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ पेपर्स हैं, यूनानी मेडिसिनल हर्ब्स एज पोटेंशियल एयर डिसइंफेक्टेंट्स एन एविडेंस बेस्ड रिव्यू है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स फ्यूमिगेशन ऑन एयरबोर्न माइक्रोब्स, वो आप देख सकते हैं। एपिडेमिक कंटेनमेंट मेजर्स इन यूनानी मेडिसिन एंड देयर कंटेम्पररी रिलेवेंस, इस तरह के बहुत यूनिक टाइप के पेपर्स और रिसर्च भी इनके अंडर हो रहा है। और बहुत ही अभी अभी लगभग एक मंथ पहले एक रिसेंट बुक आई है, पहली बुक है ये मुनफरद इस सेंस में कि डायटेटिस्ट पे कोई भी यूनानी की ओरिजिनल बुक्स नहीं आई है, तो आप उस बुक को ऑथर कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जिसमें जो यूनानी हर्ब्स किस तरह से डिसइंफेक्ट कर सकती हैं उस पर इनका लेक्चर होगा। आपसे फिर मैं गुजारिश करूंगा, आप सब लोग जो इस प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, कि आप प्लीज जब भी इसको प्रोग्राम के अंदर रहें आप तो म्यूटेड रहें,
और अगर विजुअल्स अच्छे नहीं है आपके बैकग्राउंड में, कोशिश करें कि आप उसको वीडियो को भी बंद करें, बेहतर होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे गेस्ट के लिए भी, और बीच बीच में जो नॉइज आ जाती है साउंड की पीछे से, वो उससे भी बचेंगे। इस प्रोग्राम में आज मैं अपने गेस्ट का खैर मकदम करता हूँ, और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, जिनका एक वाइड रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा यूनानी में, आप पहले काउंसिल में थे भद्रक उड़ीसा में, फिर आप हैदराबाद में थे, फिर बिहार की एक रिसर्च यूनिट है आप वहाँ रहे, और फिर आखिर में आप तिब्बी कॉलेज, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना से जुड़े हुए हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज में प्रोफेसर हैं और आप सुपरिटेंडेंट हैं कॉलेज के। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आज के जो हमारे गेस्ट लेक्चर है जो डॉक्टर मलिक इदरस साहब का बाकायदा सर उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब कि आप जो है इसमें शामिल होकर हम लोगों की हिम्मत अफजाई की, और जैसा कि तनवीर साहब ने बताया कि हम लोगों का मकसद कोविड पर जो भी काम हुआ है उसको एकजा करके आप लोगों के जरिए जो स्कॉलर्स हैं उनका एकजा करके आइंदा के लिए हम लोग मुआवजा कर लेते, कभी भी जरूरत हो तो कोविड से कंसर्निंग जो भी मवाद है हमारे पास इकट्ठा है, इसी जिम्न में ये हम लोग जो है वेबिनार करा रहे हैं कि आइंदा आने वाले उसमें, चूंकि अभी क्या होता है कि अभी हम लोग अगर कोविड पर जाते हैं तो बहुत काम हुआ नहीं, इसलिए परेशानी होती है, एक जगह हो जाने से जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जिनके भी जो वेबिनार हो रहे हैं, इस पर हम लोगों का एक एम भी था कि ऐसे ही लोगों को इसमें वेबिनार में जो है इनवाइट किया जाए जो कोविड से ही कंसर्न हो, और उनका एक जगह जो है सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं आज मलिक साहब, डॉक्टर मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए खैर मकदम करता हूँ, साथ ही कॉलेज के फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर और कॉलेज से बाहर से भी जो पूरे इंडिया से जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए खैर मकदम करता हूँ कि मलिक साहब का जो टॉपिक है उनवान है उस हिसाब से जो है ना हम लोगों के लिए आइंदा बहुत बेहतर होगा और आगे के काम में कोविड से समझते हैं कि जो लोग भी शामिल हुआ इससे काफी फैजियाब होंगे और आइंदा जो है दूसरे लेक्चर को मिलाकर भी उससे हम प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अब मैं स्पीकर से मलिक, डॉक्टर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करें। ओके, यस, नाउ विजिबल? यस सर, इट्स विजिबल नाउ। ओके फाइन। शुक्रिया भाई तनवीर साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद साहब मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपकी जो पहल है कि COVID-19 में जो वर्क हुए उसको इंटीग्रेट करने का या एक जगह कंपाइल करने का, कलेक्ट करने का। तो मैं इस सिलसिले में पहली बात तो बता दूँ, COVID-19 पर डायरेक्टली तो मेरा कोई वर्क नहीं है, तेरे आपके बवाई का जो वर्क है वो 10 साल पहले किया था जब कोविड नहीं था और कोविड के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो दूसरा वर्क है ये भी मेरी एक रिव्यू ही नहीं बल्कि इस पर बकायदा वर्कआउट किया, और ये कोविड स्टार्ट होने से पहले ही हमने स्टार्ट किया था। तो मैं इसमें जो ये बताना चाहूँगा कि हमने जो ड्रग्स सेलेक्ट किए हैं और इनमें का रोल क्या हो सकता है डिसइंफेक्शन पर, कोविड में इसकी रेलिवेंस इसलिए हो सकती है क्योंकि हमने जो सेलेक्ट की थी ड्रग्स वो हमने जब वबा पर एक कंपाइलेशन कर रहे थे, वबा के बारे में एक लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, तो हमें कुछ मेजर्स मिल रहे थे, उसमें से हमें कुछ ऐसी ड्रग्स मिली कि जिसको फ्यूमिगेशन के तौर पर रिकमेंड किया गया है। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम इस ड्रग्स पर बकायदा एक स्टडी की जाए। तो मैं पहले शुरुआत में बता दूँ कि हमने कैसे सेलेक्ट करी। मेन मकसद इस प्रेजेंटेशन का ये है कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स बताई गई हैं एयर डिसइंफेक्शन के लिए वो कितनी ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग्स हैं, उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, और उस पर एक्सपेरिमेंटली हमने जो वर्क किया है उसको मैं एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आपके सामने शेयर करूँगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इस स्टडी का ये था कि हम एक एपिडेमिक पे कंपाइल कर रहे थे लिटरेचर, और उसका मेन मकसद ये था उस लिटरेचर रिव्यू का कि हम जितने भी कंटेनमेंट मेजर्स बताए गए हैं यूनानी में उनको हम कलेक्ट करें और
करंट आउटब्रेक में उसकी क्या रेलिवेंस हो सकती है इस पर। तब हमने दो मेजर्स को, जो मेजर्स बताए गए थे उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, या हम कर सकते हैं ऐसा, उसमें लिखा तो नहीं था पर हमने अपने हिसाब से उनको उन में सारे मेजर्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एक को हमने कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स में रखा और दूसरे को हमने होस्ट सेंट्रिक मेजर्स में रखा। होस्ट सेंट्रिक मेजर्स पर हालांकि बहुत ज्यादा बात आपके पूरे इस वेबिनार सीरीज में हो चुकी है, तेरिया के बबाई ऑलरेडी उसी का एक पार्ट है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने होस्ट सेंट्रिक मेजर्स पर काफी फोकस किया। दूसरा जो मेजर्स है जिस पर अभी भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, या बहुत सारे लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे और शायद 5-10 साल बाद फिर इस पर भी फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे इसीलिए मैंने इस प्रेजेंट इस सीरीज में आपने जो टॉपिक दिया था पहले उसको चेंज करके इसको लिया, ताकि इस एरिए को जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं कल हमें इस पर फिर से फोकस करना ही पड़ेगा। तो दूसरी जो कैटेगरी, जो दूसरे मेजर्स थे, उनको हम कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स में रख सकते हैं। कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स वो मेजर्स थे जिनकी एप्लीकेबिलिटी जो थी वो इन्वायरमेंट लेवल पर थी, तो मेजर्स जिनको हम इन्वायरमेंट लेवल पर अप्लाई करेंगे उनको हमने कैटेगराइज किया एज ए कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स, और जो मेजर्स इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे उनको होस्ट सेंट्रिक मेजर्स में डिस्क्राइब किया। कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स में हमने जो मेजर्स रखे वो फ्यूमिगेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, एक मेजर्स बताया गया है वबा को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा मेजर स्प्रेइंग ऑफ हर्बल सॉल्यूशन जिसमें विनेगर और हींग का सॉल्यूशन है जिसको छिड़कने की को बारे में रिकमेंड किया गया। तो इन सारे मेजर्स को हमने कॉस्ट सेंट्रिक में रखा, क्यों? क्योंकि इनका जो मेन एम है इन मेजर्स का वो है कि टू इलिमिनेट द पैथोजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं टू इंटरप्ट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। होस्ट सेंट्रिक मेजर्स की एप्लीकेबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर रहती है, इसमें बहुत सारी दवाएं बताई गई जिसमें सिर दर्द मुर्मुखी जाफरान जिसको हम तिरियाके बवाई कहते हैं। तिरियाके बवाई बात का टर्म है, बाद में लोगों ने दिया है, इवन के आपको कबीरुद्दीन साहब से बयाज़ कबीर में उस तिरियाके बवाई के नाम से मिलेगा, अदरवाइज वो पुरानी किताबों में इस दवा सिंगली सिर दर्द मुर्मुखी जाफरान के नाम से, कोई तिरियाके बवाई करके कोई इसका नाम नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे डायट्री मेजर्स भी बताए गए और लाइफ स्टाइल और जनरल मेजर्स बताए गए, वो सारे मेजर्स एप्लीकेबल हैं इंडिविजुअल लेवल, और उन सब का जो मकसद है वो है इस टू स्ट्रेंथन द होस्ट डिफेंस, कि जो ससेप्टिबिलिटी है इंसान की डिजीज के टूवर्ड्स उसको कैसे कम किया जाए। तो हमारा यहाँ पर कंसर्न इस होस्ट सेंट्रिक मेजर से नहीं है, इस पर ऑलरेडी आप काफी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। हम यहाँ से फोकस करेंगे कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स में, वो कॉस्ट सेंट्रिक मेजर्स कौन कौन से बताए गए थे और उनको कैसे वैलिडेट किया गया है। फिर हमने इस मेजर्स को, जो मेजर्स थे उनकी एप्लीकेबिलिटी आज के सिनेरियो में, या हम डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज के सिनेरियो में किस तरह से हो सकती है, हमने इसको देखने की कोशिश की। अगर हम किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को देखें, चाहे वो कोरोना वायरस हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो वेक्टर बॉर्न हो कोई भी, उसके तीन इंपॉर्टेंट लिंक ही होते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। एक तो उसका सोर्स और रिजर्वायर होता है, दूसरा वो किसी न किसी मोड से डिजीज ट्रांसमिट हो रही होती है, और तीसरा जो लिंक होता है वो होती है ससेप्टिबल होस्ट। इसको कंट्रोल करने के भी मेजर भी इसी चेन को ब्रेक करना होता है, और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वीकेस्ट लिंक क्या है इस चेन के अंदर, और उस चेन को ब्रेक करते हैं। इसी हिसाब से कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे सोर्स ऑफ रिजर्वायर है तो उसके हिसाब से कंट्रोल द रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए इंटरप्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टिबल होस्ट के लिए प्रोटेक्ट द ससेप्टिबल्स। यहाँ जो मसला था कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो कोविड की बात ही थी, कोविड या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यूजली बताया गया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो रहा है। एयरबॉर्न के बारे में थोड़ी सी उसमें पहले जब फर्स्ट वेव थी तब क्लियर नहीं था कि एयरबॉर्न भी है या ट्रांसमिशन भी होता है नहीं होता, पर अब काफी हद तक ये क्लियर है कि इसको होता है। तो हमारा मकसद ये कि अगर इंटरप्ट करा जाए इस ट्रांसमिशन को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, तो हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी जिम्मे में हमने एनवायरमेंटल मेजर्स की बात की, तो हमने क्या किया कि हमने जो एनवायरमेंटल मेजर्स उसमें बताए गए थे वो क्या क्या है उस पर फोकस करने की कोशिश। तो हमने फिर एक लिटरेचर रिव्यू और किया उसके बाद, और हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि एयर फ्यूमिगेशन या एयर डिसइंफेक्शन के लिए यूनानी लिटरेचर में कौन कौन सी ड्रग्स बताई गई हैं। हमने जब लिटरेचर रिव्यू किया तो लिटरेचर रिव्यू 10 किताबें लिटरेचर रिव्यू में
में इंक्लूड की, हमने किताबुल मंसूरी ली, किताबुल मुर्शिद, किताबुल हावी, कामिल सना, गुना होना, अल कानून, किताबुल अग्जिया, किताबुल मुख्तारात, किताबुल कुल्लियात और अक्सीरत, ये 10 किताबें इस लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड की है। इनके अंदर एयर प्योरिफिकेशन के लिए वर्ड हम कभी कभी प्योरिफिकेशन इस्तेमाल करता हूँ, कभी डिसइंफेक्शन करता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड जो इसमें है हवा की इसलाह के लिए, अब आप उसको प्योरिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट में भी ले आ सकते हैं, डिसइंफेक्शन में, दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, पर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसको मान सकते हैं। इन सारी इन बुक्स के अंदर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ड्रग्स मिलती है, जैसे किताबुल मंसूरी में कुंदूर, काफूर, मियाँ सायला, मूर, कुछ सुंदर, ये दवाओं का जिक्र है जिनकी धूनी हवा की इसलाह के लिए बताई गई। किताबुल मुर्शिद में आस, गुलाब, लोबान, साथ, इस तरह से डिफरेंट उसमें डिफरेंट ड्रग्स हमें मिले। फिर हमने फाइंड आउट किया कि टोटल जो ड्रग्स थी, हमने ये देखा कि कितनी ड्रग्स है, तो पूरे रिव्यू में हमने पाया, हमें जो मिला, हमने क्योंकि सिर्फ 10 किताबें ली थी, इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि 10 किताबें सिर्फ पर यूनानी पूरी बेस नहीं है, हमने जो इंक्लूड किया अपने लिटरेचर में सिर्फ 10 बुक्स ही ले सके। उस 10 बुक्स के अंदर हमें 26 हर्ब्स ऐसी मिली जिसको यूनानी में एयर प्योरिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया। हमने ये देखने की कोशिश की कि इन ड्रग्स को एयर प्योरिफिकेशन के लिए क्यों रिकमेंड किया गया, क्या ऐसी चीज है जिसके लिए इसको लिखा गया कि इसकी धुनी को हवा की सलाह करती है। तो हमने जो पहले तो ये देखा कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्चुअल से ये देखते हैं कि जो यूनानी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि हवा के अंदर जब हरारत और रतूबत ज्यादा होती है, हॉट और मॉइस्ट एयर, और खास करके ह्यूमिड एयर जिसमें रतूबत ज्यादा है उसमें उफूनत के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हवा को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो सारे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं जो इसमें यहूसत को बढ़ा देते हैं। ये एक हमने देखा कि ये इरेशनल है जिसके बेसिस पर ये, फिर हमने वो ड्रग्स कलेक्ट देखी जो हमने 26 हर्ब्स मिली उनके बारे में सारे उनका मिजाज देखना शुरू किया, तो हमने देखा कि जितनी भी ड्रग थी आप उससे लेकर सारी जो ड्रग्स हैं सारे की सारी ड्रग्स का मिजाज याबिस है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मिजाज हार भी है, याबिस भी है, कोल्ड भी है, पर कोई भी ऐसी दवा रिकमेंड नहीं करी गई थी जिसका मिजाज रतब हो, इसी क्योंकि लॉजिक ये था कि रतुबत जब ज्यादा होगी तो वो इन्फेक्शन को उफूनत के लिए और कंड्यूसिव होती है, इसीलिए वो सारी दवाएं ऐसी बताई गई जिनका मिजाज याबिस था। दूसरी चीज फिर हमने इनके एक्शन देखे, जो मेन एक्शन क्या हो सकता है इनका, तो मकसद दवाओं का दाफे दाफने माने फूलत प्रॉपर्टी उसमें मिले। तो हमने ये देखा कि जो रेशनल है इसके बेस पर हम इस लॉजिक पे पहुंचे कि इन ड्रग्स को हवा की सलाह के लिए रिकमेंड करने का जो रेशनल है वो ये कि एक चीज ये कि एक तो इन दवाओं का मिजाज कोल्ड है या ड्राई तो है, याबिस तो ये है, उसके साथ साथ कोई दवा ऐसी भी जो वो बारिश भी है। दूसरी चीज इन सारी अक्सर ही दवाओं का में मायने उफूनत डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी थी, और तीसरी जो इनमें प्रॉपर्टी अक्सर में देखेगी वो फ्रेग्रेंट ये खुशबूदार दवाएं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब वबा फैलती है तो वहाँ बदबू भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये फ्रेग्रेंट नेचर भी था। तो तीन चीजें मेन थी रिकमेंडेशन के लिए, यानी उसके मिजाज की यबूसत, दूसरे मायने उफूनत प्रॉपर्टी, और तीसरा उनका फ्रेग्रेंट नेचर। उसके बाद हम इससे और आगे गए, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस को सर्च करना शुरू करा उन 26 दवाओं में, और हमने ये देखा कि इन दवाओं में जो यूनानी में रिकमेंड की गई है या डिसइंफेक्शन के लिए, क्या मॉडर्न में कोई ऐसी रिसर्च हुई है जिससे हम इसकी एफिकेसी को बता सकें कि हाँ ये डिसइंफेक्शन के लिए है, या अगर बताए तो उसकी क्या पोटेंशियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है मॉडर्न के हिसाब से। हमने जब सर्च किया तो हमें डायरेक्टली 26 ड्रग्स में से 19 ड्रग्स ऐसी मिली जिनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, 26 में से 19 ड्रग्स में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पर रिसर्च मौजूद थी। वो जो ड्रग्स 19 थी उसमें एक्वरस कैलमस है, एक्वेलेरा ग्लोचा है, बोसवेलिया सेरेटा, ये मेरी ये सारी 19 दवाएं थी। उन सारी जो स्टडीज हमने अपने इंक्लूड करी रिव्यू के अंदर, उन्होंने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इन 19 दवाओं की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट देखी, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस था, स्यूडोमोनास ओरिजिनस, साइक्लोप्सिया, निमोनिया थे, तो वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस इंक्लूड किए गए थे, उनके अगेंस्ट इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखी गई थी। जो मेथड अडॉप्ट किया गया था उन स्टडीज में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी असेस करने के लिए वो था डिस्क डिफ्यूजन और डायल्यूशन, इन दो मेथड से इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज को असेस किया गया था उन स्टडीज में।
इन 19 में से सिर्फ 3 इस ड्रग्स के बारे में हमें स्टडीज मिली जिनमें इन ड्रग्स का इफेक्ट जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट था अक्सर दवाओं का जो असेस किया गया था वो किया गया था लिक्विड फेज में यानी उसको एक्सट्रैक्ट निकाल के या उसके एसेंशियल ऑयल की एक्टिविटी को रिपोर्ट किया। सिर्फ 3 दवाएं ऐसी मिली हमें जिनकी एक्टिविटी वेपर फेस में चेक करी गई थी, उसमें एक बेंजिन यानी लोबांता, दूसरा मुरमक्की और तीसरे एक्वरस कैलमस पशी। 3 ड्रग्स की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वेपर फेस में रिपोर्टेड मिली हमें और बाकी 16 की जो हमें रिपोर्टेड मिली वो लिक्विड फेस में मिली। अब हम इन 19 पर तो रिसर्च नहीं कर सकते थे, हमने देखना था कि अब ये जो 19 ड्रग्स हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से भी रिपोर्टेड है, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव ड्रग्स कौन सी है, इनमें से सबसे इफेक्टिव ड्रग्स इस रिव्यू के हिसाब से कौन थी। तो उस रिव्यू के हिसाब से जो हमें 7 ड्रग्स थी सबसे एक्टिव ड्रग्स देखने को मिली वो उसमें काफूर, कुंदुर, मियासायला एक ही मियासायला, मुर, कुस, संदल, ये दवाएं थी जिन ये वो 19 में से सबसे एक्टिव ड्रग्स हमें देखने को मिली। हमने फिर देखा कि किताबुल मंसूरी में जकरिया राजी ने भी यही ड्रग्स फ्यूमिगेशन के लिए रिकमेंड। उसके बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाई कि ये फ्यूमिगेशन इन दवाओं का जो फ्यूमिगेशन है क्योंकि इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है, दाफे फोन यूनानी पर्सपेक्टिव से भी, याबस मजाज भी है, खुशबूदार भी है, तो ये जरूर माइक्रोबियल लोड को कम कर सकती है। इसी बेस पर हमने एक स्टडी डिजाइन की कि इन दवाओं की फ्यूमिगेशन इफेक्ट इसी को हम असेस करेंगे कि ये माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ इंडोरियर को कितना इम्प्रूव करते हैं। इस बेसिस पर ये जो हमारा पूरा एक प्रोसेस था कि पहले हमने रिव्यू करा था एपिडेमिक का किया था, एपिडेमिक का रिव्यू करने के बाद हमें कुछ कॉज सेंट्रिक एनवायरमेंटल मेजर्स मिले, उस एनवायरमेंटल मेजर्स में हम स्पेसिफिकली एयर फ्यूमिगेशन की एयर प्योरीफिकेशन की तरफ गए। एयर प्योरीफिकेशन के बाद फिर हमने फाइंड आउट की कुछ दवाएं जिनको हमें अपनी स्टडी में लेना था, जो मोस्ट एक्टिव ड्रग्स थी वो हमने इंक्लूड करी, उसके बेस पर एक स्टडी डिजाइन की। ये स्टडी अब हमने इन जो 7 ड्रग्स हैं इस पर हमने बकायदा एक स्टडी करी। ये कैसे करी मैं इसको आपको बताता हूँ। जो 7 ड्रग्स थी इनको 2 हमने फॉर्म में लिया, एक तो इन सारे को पाउडर करके इनका फ्यूमिगेशन बनाया, फ्यूमिगेशन यानी फ्यूमिगेशन किया वेपर फेस में देखा, साथ साथ इनका क्लोर इन सबको मिक्स करके इनका क्लोरोफॉर्म एक्सट्रेट की एंटी माइक्रोबियल एक्सरसाइज भी किए। ये जो सारी पिक्चर्स हैं ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। इसकी स्टडी को डिजाइन किया गया, इसमें इनसाइटू एक्सपेरिमेंट किया गया, इनसाइटू एक्सपेरिमेंट किया सिलेक्टेड एरिया में, एफिकेसी जो फ्यूमिगेशन था उसकी एफिकेसी को असेस करने के लिए हमने कॉलोनी काउंट देखा माइक्रोब्स का प्री फ्यूमिगेशन और पोस्ट फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन से पहले किसी उस एरिया में पहले माइक्रोबियल लोड कितना था और फ्यूमिगेशन के बाद माइक्रोबियल लोड कितना है। ये एक्सपेरिमेंट था उसको हमने 3 डिफरेंट लोकेशंस में किया सितंबर से दिसंबर 2023 के। प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ द स्टडी हमने ये जो 3 एरिया सेलेक्ट करे, वो 3 एरिया जो सेलेक्ट कर रहे थे वो किस बेसिस पे किए, वो हमने डिफरेंट एरिया से सैंपल्स ईयर सैंपल्स लिए। ईयर सैंपल्स लेने के बाद जिन 3 एरिया में मैक्सिमम माइक्रोबियल लोड हमें देखने को मिला उन 3 एरिया को स्टडी के लिए हमने सेलेक्ट किया। इन तीनों सेलेक्टेड एरिया का जो डायमेंशन था रूम्स थे उनका, एक का 1200 क्यूबिक फिट था, दूसरे का 900 क्यूबिक फिट एंड तीसरे रूम का 700 क्यूबिक फिट। टेस्ट ड्रग जो हमारी थी मैं बता चुका हूँ, संदल, ऊद, कुस्त, काफूर, मियासायला, कुंदुर और मोरिये दवाएं थी। इनको पाउडर किया, पाउडर करने के बाद सबको इक्वल क्वांटिटी में लिया एंड देन वी टेस्टेड फॉर फ्यूमिगेशन, क्योंकि हमें ये नहीं पता था हमें किस डोज में इसको टेस्ट करना, कहीं ये नहीं लिखा था कि किस डोज में फ्यूमिगेशन करना। तो हमने ये मान के चले कि 5 ग्राम से स्टार्ट करते, देन वी स्टार्टेड, हमने डिफरेंट डोजेज में इसको लिया, 5 ग्राम, 10, 15, 30 एंड 45 ग्राम में हमने इसको टेस्ट किया। उसके साथ साथ हमें लगा कि हो सकता है कि जो हम जो फ्यूमिगेशन करेंगे तो जो प्लेन चारकोल है उसका भी तो कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो हमने उसको एज ए नेगेटिव कंट्रोल इंक्लूड किया स्टडी के अंदर और फिर पॉजिटिव कंट्रोल के तौर पे हमने फॉर्मलिन और पोटेशियम परमैंगनेट के फ्यूमिगेशन को लिया, उसको 5 ml/10 g, 5 ml फॉर्मलिन, 10 g पोटेशियम परमैंगनेट पर क्यूबिक फिट स्पेस के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड उसका रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से हमने इसको पॉजिटिव कंट्रोल के तौर पर इंक्लूड किया। फ्यूमिगेशन करा कैसे, फ्यूमिगेशन के लिए हमने जो ट्रेडिशनल जो मेथड है फ्यूमिगेशन का यानी बर्निंग चारकोल उसके हिसाब से लिया हमने, टमेरिन
इमली का जो कोयला आता है वो मिला, वो करीब 100 ग्राम 100 ग्राम जो चारकोल लिया गया टेम्परेंट, उसको बर्न किया। बर्न करने के बाद जो वो रेड हॉट हो गया इस तरह से, तो हमने जिस डोज में हमको फ्यूमिगेशन करना था, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम से स्टार्ट करना था, देन वी टेक 5 ग्राम डोज, उसके बाद उस पर हमने स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल करने के बाद तो उसमें जब फ्यूम्स स्टार्ट उठना स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा सा उसको ब्लो करते थे ताकि फ्यूम्स और हो जाए, और फ्यूम्स को 30 मिनट्स तक पूरे रूम को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता था जिस एरिया में फ्यूमिगेशन करें, ताकि कोई भी चीज़ उसमें बाहर ना जा सके। और फिर करने के बाद 30 मिनट्स तक उसको पूरे अच्छे तरह से उसको एरिया में फैल जाए। पॉजिटिव कंट्रोल का फ्यूमिगेशन करने के लिए, यानी फॉर्मलिन और पोटेशियम परमैंगनेट के लिए जो मेथड है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वर्ड आउट किया, उसमें करते हैं कि एक पेटी डिश में आप पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, जो डोजेज है प्रिस्क्राइब डोजेज उसमें लिया, उस पर जब आप फॉर्मलिन ऐड करते हैं, जैसे ही फॉर्मलिन आप उस पर ऐड करेंगे, उसमें से फ्यूम्स उठना शुरू हो जाते हैं, उस फ्यूम्स को फिर उस क्लोज स्पेस में आप उसको फैलने देते हैं। तो ये था मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन। रूम को हर एक डोज को 3 अलग अलग लोग जो प्लेसेस थे, सेलेक्टेड लोग एरिया थे, उन पर उनको टेस्ट किया गया। एक एरिया में हमने पहले 5 ग्राम से करा, फिर उसी एरिया में 10 से, फिर 15 से, एक डोज करने के बाद 2 दिन के लिए उस रूम को छोड़ दिया गया ओपन, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके। इसीलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद 2 दिन के लिए उसको छोड़ देते थे। यार सैम्पलिंग कैसे करी, माइक्रोबियल लोड को हमने कैसे आइडेंटिफाई क्वांटिफाई किया कि ईयर में कितना माइक्रोबियल लोड, इसके लिए 2 मेथड होते हैं, एक एक्टिव ईयर सैम्पलिंग होती है और एक पैसिव ईयर सैम्पलिंग। हमने जो अपनी स्टडी में अडॉप्ट किया मेथड वो था पैसिव ईयर सैम्पलिंग। पैसिव ओपन पेट्री प्लेट मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो भी प्लेट्स हैं, बैक्टीरियल के लिए एलपी मीडियम लिया और फंजाई के लिए पीडीए मीडियम लिया, उनकी पेट्री प्लेट्स को उस एरिया में रख दिया गया, और वहाँ पर फिर उसके बाद उनको इंक्यूबेट करने के बाद उसमें असेस किया गया कितना लोड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर सैम्पलिंग को हमने फ्यूमिगेशन से पहले किया, यानी जिस एरिया में हमें फ्यूमिगेशन करना है उससे पहले उसको माइक्रोबियल लेयर असेस किया, उसके बाद फ्यूमिगेट करना किया, फ्यूमिगेट करने के बाद उसके डिफरेंट इंटरवल्स में वहाँ से सैम्पल्स लिए, 1 आवर्स, 4 आवर्स और 12 आवर पर। सैम्पलिंग के लिए पैट्री प्लेट्स हमने डेक्सट्रोज लेबोरेटरी करके यहाँ पर है पास में, उससे हमने प्रीकल्चर प्लेट्स वहाँ से ली थी, और उनको लोकेशन किस तरह से रखा गया, रूम के अंदर 1x1x1 स्कीम में रखा गया, यानी 1 मीटर अबव द फ्लोर, 1 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ 1 आवर। ये डिफरेंट स्टडीज में इस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने इस स्कोप को अडॉप्ट किया और रूम को बंद कर दिया जाता उस टाइम। एलबी मीडियम यूज होता था बैक्टीरिया के लिए, पोटैटो डेक्सट्रोज मीडियम होता था फॉर फंजाई के लिए इस्तेमाल किया गया। ये डिफरेंट प्लेट्स थी, इसमें कल्चर्स हैं, जैसे ये एलबी मीडियम की प्लेट्स है, ये है बिफोर फ्यूमिगेशन है, ये 1 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन है, ये 4 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन है, और ये 10-12 आवर्स आफ्टर फ्यूमिगेशन। दूसरी प्लेट्स पीडीए प्लेट्स हैं जो फंजाई के लिए, ये बिफोर फ्यूमिगेशन प्लेट्स है, ये 1 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन है, ये 4 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन है, और तीसरी प्लेट 12 आवर। इस तरह की बहुत सारी सैंपल्स, मैं एक सैंपल्स आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर हमने इसका इफेक्ट जो असेस किया वो इन्हीं पेटी प्लेट्स केस में कॉलोनी काउंट बिफोर फ्यूमिगेशन कितना था, 1 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन कितना रहा, 4 आवर कितना रहा, 12 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन कितना रहा, ये हमने देखा। अब हमने डिफरेंट जो हमारे फ्यूमिगेंट्स थे, उसमें टमारिन फॉर चारकोल हमारा नेगेटिव कंट्रोल था, फिर फॉर्मुलेशन जो थी वो 5 ग्राम 10 ग्राम 15 30 फॉर डिफरेंट डोजेज में टेस्ट फॉर्मेशन थी, वो पॉजिटिव कंट्रोल फॉर्मुला में पोटेशियम परमैंगनेट था। बिफोर फ्यूमिगेशन ये कॉलोनी सी फ्यूज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कॉलोनी कितनी थी इसमें बिफोर फ्यूमिगेशन इतने इसकी, उसके बाद 1 आवर आफ्टर फ्यूमिगेशन कितनी आई हुआ है, परसेंटेज मीन्स परसेंट रिडक्शन कितना हुआ इस कंपेरिजन टू बिफोर फ्यूमिगेशन, 4 आवर्स पे कॉलोनी कितनी आई है उसके कंपेरिजन में कितना रिडक्शन हुआ है, और 12 आवर्स पे लिया। तो 3 हमने सैम्पल पोस्ट फ्यूमिगेशन लिए, 1 आवर 4 आवर एंड 12 आवर्स और बिफोर, और ये जो है वो एक रूम का है, यानी 1200 जो 3 रूम थे, 1200 क्यूबिक फीट स्पेस का, दूसरा 900 और तीसरा 700 क्यूबिक फीट का। तो लोकेशन 1 से हमने ये फाइंडिंग्स आए, उसके बाद दूसरी लोकेशन से सेम इसी तरह से 900 क्यूबिक फीट एरिया से कितनी आई उसकी फाइंडिंग्स है, और इसके बाद तीसरी तरह से तीसरे एरिया से कितनी फाइंडिंग्स आई एरिया थर्ड में 700 क्यूबिक फीट। ये फाइंडिंग्स को मैं बताऊं कि इसमें ये एक है कि टमरिन वुड चारकोल का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला एरियल में, यानी एरियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे टमरिन वुड चारकोल का कोई इफेक्ट नहीं था।
टेस्ट फॉर्मुलेशन जो हमने दी थी 5 और 10 ग्राम की डोज में, उस डोज में भी कोई भी इफेक्ट या इफेक्ट तो था पर बट वॉज वेरी मिनिमल इफेक्ट था, इसको हम कंसिडरेबल ये कंसिडर नहीं कर सकते। इसी तरह से 15 ग्राम डोज में भी कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं देखने को। द इफेक्ट ऑफ फ्यूमिगेशन जो देखने को मिला मैक्सिमम वो था 45 ग्राम की डोजेज में और उसके बाद तो उससे कम 30-30 ग्राम पे। कंट्रोल का जो इफेक्ट था यानी फॉर्मुले में पोटेशियम परमैंगनेट का, उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट देखने को आया वो आया था 12 आवर्स के बाद, यानी फ्यूमिगेशन कर रहे हैं फ्यूमिगेशन करने के 12 आवर्स के बाद उसका मैक्सिमम इफेक्ट देखने को, 1 आवर और 4 आवर्स पर उसका इफेक्ट बहुत कम था। जब हमने ये कॉलोनी काउंट कर रहे थे, जब हमने कॉलोनी माइक्रोबियल लोड असेस करते थे, तो हमको उस एरिया में जो हमने सेलेक्ट करे थे 3 एरिया, उन 3 एरिया में 3 डिफरेंट कॉलोनीज मिली जिनको हमें इनिशियली नहीं पता था इसमें क्या है, पर इनके जो कलर्स हमने आइडेंटिफाई किया येलो कॉलोनी, व्हाइट और ऑरेंज, 3 टाइप की कॉलोनीज हमने एयर सैंपल्स में देखने को मिली। फिर हमने उनको सीक्वेंसिंग करवाई, सीक्वेंसिंग के बाद हमको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें जो कॉलोनी किस बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने देखा कि जो येलो कॉलोनी थी वो दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द न्यू माइक्रोकॉकस लैक्टिस, व्हाइट जो कॉलोनी थी वो माइक्रोकॉकस लाइले को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड द ऑरेंज कॉलोनी वाज रिप्रेजेंटिंग द कुकेरिया राइजा, और फंगाई में जो हमको कॉलोनी मिली थी वो एस्परजिलस निग्रा थी। अभी हमको ये फ्यूमिगेशन में तो हमें ये कॉलोनीज के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास सैंपल्स में ये कॉलोनी थी, यानी इसका मतलब ये था कि हमारी जो ड्रग्स के फ्यूमिगेशन के इफेक्ट है वो माइक्रोकॉकस लाइले के अगेंस्ट है, कुकोरिया रोजिया के अगेंस्ट भी है, न्यू माइक्रोकॉकस लैक्टिस के, एस्परजिलस निग्रा के अगेंस्ट भी। पर ये जो बैक्टीरियल स्पीशीज थी, 3 बैक्टीरियल स्पीशीज, ये नॉर्मल कमर्शियल बैक्टीरिया है, हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो कॉज करते हैं पर बहुत ज़्यादा हाईली पैथोजेनिक तो नहीं है। हमें जो चाहिए थे एयरबॉर्न इन्फेक्शन के लिए जो पैथोजेनिक सीडोमोनास एरोजिनसा या स्टेफिलोकोकस ओरियस या स्टेफिलोकोकस न्यूमोनिया या क्लेबसिलर न्यूमोनिया, वो हमें हमारी सैंपल्स में आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हमने इसको फर्दर वैलिडेट करने के लिए क्या किया कि आपको हमको वो जो बैक्टीरिया चाहिए थे वो तो नहीं मिले, हम उसको किसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं ना, अब हम उसको लेबोरेटरी और उसको फर्दर वैलिडेट करने के लिए इसके एंटी माइक्रोबियल एसे से इन विट्रो स्टडी अलग दोबारा करते, तब हमने इसका क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट लिया और उसके बाद स्यूडोमोनास एरिजिनोसा स्टेफिलोकोकस एरिस 2 स्पीशीज और ऐड करी और उन पर एंटी माइक्रोबियल एसेस करके उसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी असेस की। एंटी माइक्रोबियल एसेस में हमने अगरवाइल डिफ्यूजन मेथड किया जिससे हमने जोन एविएशन को डिटरमाइन किया, एंड सेकेंड मेथड वी अडॉप्टेड माइक्रो टेट्रा प्लेट मेथड जिसके बेसिस पर हमने MIC और MYC को डिटरमाइन किया। जो इफेक्टिविटी जो मिली हमको क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट की वो इनिबिशन जोन की डिफरेंट NMIC उसकी 50 μL मिली और न्यू माइक्रो यानी डिफरेंट बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया हमने लिए थे सबके अगेंस्ट इसकी जो एक्टिविटी थी वो अच्छी रिपोर्टेड। ये दोनों भी इनिबिशन की पिक्चर्स हैं, डिफरेंट जो कॉलोनीज येलो व्हाइट ऑरेंज उनके अगेंस्ट ये जोन ऑफ इनिबिशन कितना है। अब हम इसको बेसिकली जो ड्रग्स मिली इनकी इफेक्टिवनेस किस बेसिस पर है, ये जो ड्रग्स हैं ये इफेक्टिव मिल रही है तो इसका क्या रीजन हो सकता है क्यों ये इतनी इफेक्टिव है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इफेक्टिवनेस जो रेशनल ही था इसका रिकमेंडेशन का, ये ड्रग्स क्यों रिकमेंड करी गई है, ये ड्रग्स की रिकमेंडेशन की वजह क्या है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब हवा के अंदर हरारत और रतुपत ज्यादा होती है तो उसमें फूनस ज्यादा फैलती है, और ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, डैम्पनेस जब भी जहाँ पर भी ज्यादा होती है वहाँ पर फंगाई ग्रोथ या माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो सारी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जो हवा के अंदर यबूसत पैदा करते हैं। तो इसीलिए वो दवाएं चूज करेगी जिनका मिजाज याबिस था और उसके साथ साथ इस दवाओं का मिजाज कोल्ड भी और उनमें मान्य फूनत या दाफ़ा प्रॉपर्टीज थी जो कि कंट्रेरी है माइक्रोबियल ग्रोथ की, जिसकी वजह से वो माइक्रोबियल ग्रोथ को होने नहीं देती। मॉडर्न मेडिसिन के मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इन जो ड्रग्स थी इन ड्रग्स में जो एंटी बैक्टीरियल फाइटोकेमिकल्स हैं उनके बेस पर इसका इफेक्ट है ये डिसइंफेक्शन में। ये जो प्लांट्स हमने सेलेक्ट करे जो ड्रग्स सेलेक्ट की थी उनमें बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे टर्पिनाइड्स हैं, अल्कोलाइड्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, और इनके कोई बाकायदा प्रूफ है कि इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुंदूर था, कुंदूर में बॉसफेलिक एसिड्स हैं जिसमें पेंटासाइक्लिक टर्पिनाइड्स होती है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल माने हुए हैं कि किसकी वजह से इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा दूसरी जो ड्रग्स थी उनके अंदर भी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे उसकी वजह से माने, जैसे कि अल्कोहलिक कंपाउंड्स कॉस्टस में कुस्त में जो थे उसकी वजह से माना गया इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, लिक्विड एम्बर में
जैसे फिनोलिक्स और टर्पीन्स जो कंपाउंड्स से वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए, और सेंडल में अल्फा एंड बीटा सेंट्रलॉन की वजह से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी माने जा रही है। तो ये डिफरेंट अगर हम मॉडल परस्पेक्टिव, तो उनके अंदर जो मौजूद फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बेसिस पे हम उसकी इसकी एक्टिविटी को या हम या डिसइंफेक्शन में बता सकते हैं। यूनानी परस्पेक्टिव से गए तो हम उनके मिजाज के बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं, या फिर हम उसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट एक्चुअली मेन माने प्रॉपर्टी के बेस पे उसको बता सकते हैं कि ये क्यों रिकमेंड की गई है, इसकी जो इफेक्ट है एंटी माइक्रोबियल वो किस वजह से होता है। हमारी जो फाइंडिंग्स थी उस फाइंडिंग्स की वजह क्या थी, या हम उसको कह सकते हैं हमारी इस फाइंडिंग हमने स्टडी करी इसकी फाइंडिंग्स है क्या या इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। हमारी जो फाइंडिंग्स है क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि जो फ्यूमिगेशन है यूनानी में ड्रग्स का उसको माइक्रोबियल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, बाई रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल लोड इन द एयर। ये माइक्रोबियल लोड को रिड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से माइक्रोबियल क्वालिटी इम्प्रूव होती है। दूसरी उसके साथ साथ ये स्टडीज ने इन वाइट्रो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इनकी शो करी, जैसे क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट हमने जो लिया उसकी एक्टिविटी देखी कि स्टिफेलोकोकस ओरिस और सुडोमोनास ओरिजिनासा के अगेंस्ट कैसे, और उसके बेस पर हमने बताया कि उसकी एक्टिविटी। तो ये फाइंडिंग्स न सिर्फ उन क्लेम को वैलिडेट कर रही है कि जो यूनानी स्कॉलर्स ने दी थी कि ये ड्रग की अगर दूनी दी जाए तो ये हवा की सुलह करती है, बल्कि एक ऐसा यूनानी फॉर्मुलेशन भी हर्बल फ्यूमिगेंट में ऐड करें जिनको फर्दर स्टडीज के बाद यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बेस पर ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ये दवा इस्तेमाल आज कल से आप या डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर ये पता चला है कि हाँ इन ड्रग्स का इफेक्ट देखने को मिला है जिसमें माइक्रोबियल लोड को कम करने का हुआ। इस पर फर्दर स्टडीज की जा सकती है, फर्दर स्टडीज करने के बाद हम बता सकते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट है या नहीं है और ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारी स्टडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले वो माइक्रोकॉकस लाइले मिला था, न्यू माइक्रोकॉकस लैक्टिस थे, कोकोरिया रूजा थे फ्यूमिगेशन फेज में। जहाँ तक हम बात करें जो वेपर फेज की बात कर रहे थे उसमें तीन ही मिले थे। जब हमने लिक्विड फेज में मिला क्योंकि हमें वो हमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्यूडोमोनास नहीं मिला था, इसी वजह से हमने फिर इनविट्रो एक्टिविटी उनकी देखने की कोशिश की, और इनविट्रो हम फ्यूमिगेशन या वेपर फेस में देख नहीं पाए इसलिए हमने उसको लिक्विड फेस में या क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट की उसकी एक्टिविटी देखी। हमारी कुछ स्टडी की कुछ लिमिटेशन जो थी वो पहली लिमिटेशन की ये थी कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का या डिसइंफेक्शन पर या किसी भी फ्यूमिगेंट की डिसइंफेक्शन एफिकेसी एफिशिएंसी पर फर्क होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। हमने ये कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि उस टाइम हमने ये चीज़ें टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ पर हम फ्यूमिगेशन कर रहे थे, उस टाइम टेम्परेचर कितना था, उस टाइम उस रूम की ह्यूमिडिटी कितनी थी हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। तो इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन थी क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है डिसइंफेक्शन एबिलिटी पर, और जो हम अपनी स्टडी में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसलिए फर्दर अगर स्टडीज कर जाए तो इन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जा सकता है कि जब आप फ्यूमिगेशन कर रहे हैं तो उस टाइम रिकॉर्ड करें कि उस टाइम टेम्परेचर कितना था और ह्यूमिडिटी और डिफरेंट टेम्परेचर पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी स्टडी की लिमिटेशन थी कि हमने जो स्टडी करी वो वर्क प्लेस सेटिंग पर थी, जो तीन एरिया सेलेक्ट करी वो NIM कैंपस से थे, वो वर्क प्लेस सेटिंग थी, और इस वर्क प्लेस सेटिंग की वजह से हमें जो एयर सैंपल्स में जो बैक्टीरिया स्पीशीज मिली जो आइडेंटिफाई हुई हम आइसोलेट कर पाए वो माइक्रोकॉकस स्पीशीज ही थी, ना कि जबकि अगर हम ये स्टडी कहीं और करते हॉस्पिटल सेटिंग्स में करते तो हो सकता था हमको कुछ स्टेफाइलोकोकस ओरियस या स्यूडोमोनास और दूसरे एयरबॉर्न पैथोजेंस भी मिल पाते और फिर वहाँ पर हम उन पर डायरेक्टली इफेक्ट वेपर फेस में इसके इफेक्ट को इवेलुएट कर पाते। तो हम ये वर्क प्लेस सेटिंग में स्टडी करी, इसी वजह से हमको वो पैथोजेंस भी नहीं मिल पाए और हम डायरेक्टली उन पर इसका वेपर फेस में इफेक्ट को इवेलुएट नहीं कर सके। इसीलिए इस लिमिटेशंस के बेस पर मैं रिकमेंडेशन यही है हमारी कि प्रेजेंट स्टडीज ने ये तो बताया कि फ्यूमिगेशन टेस्ट हर के साथ एफिशिएंट है या डिसइंफेक्शन में, पर अभी इसको यूज करने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर रिग्रस रिसर्च की जाए तब हम इसको यूज कर सकते हैं, पर दैट कैन बी यूज एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टडीज। और दूसरी चीज हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स पे की जाए, साथ साथ एंटीबैक्टीरियल जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन बैक्टीरियल स्ट्रेन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उस पर किया जाए, ताकि हम इसको एज एन अल्टरनेटिव
के तौर पर इस्तेमाल कर सके केमिकल फ्यूमिगेंट्स, क्योंकि एयर डिसइंफेक्शन के लिए अभी भी इतनी केमिकल फ्यूमिगेंट जैसे फॉर्मलिन, फॉर्मलिन को तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स हैं, ट्राइथलाइन ग्लूकोल वेपर्स हैं, तो ये सारे केमिकल फ्यूमिगेंट्स यूज होते हैं आज भी एयर डिसइंफेक्शन के लिए, पर इन एयर डिसइंफेक्शन के अपने केमिकल फ्यूमिगेंट के कुछ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं जिसकी वजह से लोग अल्टरनेटिव के तौर पर एसेंशियल ऑयल वगैरह पर देखना चाहते हैं और उनकी एक्टिविटी को फर्दर वैलिडेट करना चाहते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन इसमें यही है कि इस पर फर्दर स्टडीज की जाए और हॉस्पिटल सेटिंग्स में की जाए। वर्कप्लेस सेटिंग पर तो हमने प्रिलिमिनरी कर रखा है, इस पर अगर आप नेक्स्ट आप करना चाहते हैं करें तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में करें और कोशिश करें कि जो रेजिस्टेंस बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है उनको इंक्लूड किया जाए। अगर इस पर और आपको रिकमेंडेड रीडिंग या फर्दर रीडिंग है तो मेरे ये पेपर्स हैं जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं, मैंने शेयर भी कर दिए तनवीर साहब के साथ और वो इसको आप इस पर उनसे ले सकते हैं, वो शेयर कर देंगे आपके साथ। तो इस पर आपको कोई और पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑडियंस अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप सवाल कर लें। सर ये जो प्लेस ऑफ स्टडी थी इसमें जो आपने सेलेक्ट किया एरिया जहां पे एक्सपोजर में पेटेड डिश को रखा जी वो कहां था, मतलब किस प्रेमिसेस में रखा गया ये? एनआईएम से कैंपस में दो, हमने एनआईएम कैंपस में लिए थे, एक डेस्कटॉप लेवल, तीन जगह पर लिए थे, तीन एरिया सेलेक्ट किए थे, दो एरिया तो हमने एनआईएम कैंपस के अंदर ही लिए थे, हमारे डिपार्टमेंट के थे, एक तो कंप्यूटर रूम था और एक जो चैम्बर था, और तीसरा एरिया जो जहाँ से हमने पेटेड डिश दी थी डेस्कटॉप लेबोरेटरी करके वहाँ का एक चैम्बर। तो सर जितना देर आप रख रहे थे उस बीच में कोई दूसरे वेरिएबल्स नहीं थे उसमें, जैसे उसमें खाने पीने का कोई दूसरा कोई डिनर उनर ना हुआ इस तरह? नहीं, बिल्कुल क्लोज थे जब हमने, जैसे कंप्यूटर में बिल्कुल ही वो क्लोज रूम है ना या फिर चैम्बर इस्तेमाल किए गए थे तो उस टाइम उसको बिल्कुल क्लोज किया गया था, कोई उसको यूज नहीं किया था। ऑफिस जो था एक वो ऑफिस जरूर उसमें था लेकिन उस कुछ दिन के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहले हमने आइडेंटिफाई तीन ऐसे ही सेलेक्ट किए, हमने तकरीबन 10-12 सैंपल्स लिए थे डिफरेंट एरियाज से कि हमको ये करना था कि हमें जहाँ हाईएस्ट माइक्रोबियल लोड मिलेगा हम वहाँ पर फ्यूमिगेशन का इफेक्ट देखेंगे, तो हमें तीन जगह पर उस कॉलोनी काउंट ज़्यादा मिला था इसीलिए हमने उस तीन एरिया सेलेक्ट किए थे। सर इसमें डस्ट कंट्रोल कैसे वेरिएबल्स को लिमिट कर पाए थे? डस्ट कंट्रोल मतलब? मतलब जैसे वो रूम्स क्या उस बीच में जितने देर पे वो रखा हुआ था उस कमरे में पेटेड डिश, तो कैसे आप पूरे कंप्लीटली क्लोज रूम थे सारे तरफ से जो वो रूम थे जब हमने फ्यूमिगेशन करा था तो हमें ये देखना ही था कि वो किसी भी तरह से इवन डस्ट क्या इवन फ्यूमिगेशन जब हम कर रहे हैं तो स्मोक कहीं से बाहर से निकल ना सके, तो कंप्लीटली क्लोज था डस्ट कंट्रोल, वो तो उसको तो पूरी तरह से कंट्रोल था। मसला डस्ट कंट्रोल का एक दूसरा मसला ये आया था कि जब हम फ्यूमिगेशन कर रहे थे, फ्यूमिगेशन करने के बाद उसमें बहुत सारी डस्ट होती थी, वो एक फैक्टर्स हो सकता है कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड है हम उसको वैलिडेट तो कर रहे थे पर ट्रेडिशनली कौन यूज करेगा है ना, तो हम हमारा कोई मकसद ये था कि हम उसको जैसे एयर फ्रेशनर आता है उसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए हमने वो लिक्विड फेस में भी हम गए, हमने क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट पे हम उसका तीसरे स्टेप में एसेंशियल ऑयल का देखना चाहते हैं, एसेंशियल ऑयल पे करेंगे और हम इसको एक रूम फ्रेशनर एयर प्योरीफायर के तौर पर हम इसको वेपर फॉर्म में या ये लिक्विड जो वेपर फॉर्म आता है उसमें लाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। जनरली इसको जला के वही जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो मेथड बताया गया बर्निंग का, तो हमने जैसे 100 ग्राम बताया मैंने, 100 ग्राम इमली का कोयला लिया उसमें स्पिरिट डाल के उसको गर्म उसको पहले जलाया, जब वो पूरा रेड हॉट हो गया देन उस पर हमने स्प्रिंकल जो जिस डोज में हमको देखना था उसको स्प्रिंकल कर उसमें फ्यूम्स उठना शुरू हो गए, उन फ्यूम्स को अच्छी तरह से रूम में फैलने दिया काफी आधा घंटे एक घंटे तक, और एक घंटे उसका रूम पूरी तरह से क्लोज था, इवन कहीं से भी कहीं विंडो के पास भी था तो वेप जो हमने पूरी कवरिंग करी थी अपार्टमेंट से ताकि कहीं से भी उसमें स्मोक पास आउट ना हो। इसमें सर जैसे आपने खैर ये तो खैर पहली स्टडी है जहां तक मेरा मानना है कि इस तरह से यूनानी में पहली ही आयुर्वेद में इसमें थी, हमें सबसे पहली जो स्टडी मिली थी वो नोटियाल की मिली थी जो जनरल ऑफ फार्माकोलॉजी में थी, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था या ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसको हम कह सकते हैं, पर उसने जो स्टडी की थी उन्होंने नोटियाल ने वो हवन सामग्री भी की थी जो लोग हवन करते हैं उस हवन का उन्होंने इफेक्ट दिखाया था, और उसके बाद एक बडवलकर ने स्टडी की 2019 में करी, उससे पहले एक स्टडी और थी बिश्त ने की थी, पर यूनानी में कोई स्टडी नहीं हुई थी और यूनानी बहुत सारी ड्रग ऐसी मेंशन थी इसलिए उस
उनकी ड्रग को ऐसी थी जो हमारी जो आपकी ड्रग से कोई मैच कर वज करा था। विश्व के यहाँ विश्व ने जो स्टडी करी थी बताया कि उसमें वज एक ऐसी ड्रग थी जो उसमें वो हमारी उनकी उसने 7-8 ड्रग्स ली थी, उस 7-8 ड्रग्स में एक ड्रग्स वज थी और एक ड्रग्स बेंजीन डोबान थी। इसमें सर कंपैरेटिव एफिकेसी क्या दिखी दोनों में, अगर जैसे वहां उन्होंने करा और हमने करा यूनानी में? तो हमने इसमें हमारे उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। हमने कंपैरेटिवली ये था कि बिस्ट ने जो ड्रग्स दी थी हवन सामग्री उसमें 50 ड्रग्स थी, 50 ड्रग्स नॉट याल ने, हमारे जो ड्रग हवन में वो 50 में करते हैं, हमारे पास जो ड्रग्स थे वो 7 ड्रग्स थे। भटवलकर ने जो स्टडी करी उसमें जो एरिया दिया था उन्होंने वो एरिया बहुत ही कम स्पेस का था। हमने जो एरिया लिया उनका जो एरिया था 550 क्यूबिक फीट का था, हमने जो एरिया लिए वो एक 1200 क्यूबिक फीट का था, दूसरा 900 क्यूबिक फीट का था, तीसरा 700 क्यूबिक फीट का था। तीसरी चीज जो हमने इफेक्ट देखा रेजिडुअल इफेक्ट वो किसी ने भी नहीं देखा। हमने 1 आवर पे देखा, फिर 4 आवर पे देखा, फिर 12 आवर पे देखा। जो प्रीवियस स्टडी उन्होंने प्री फ्यूमिगेशन देखा एंड पोस्ट फ्यूमिगेशन देखा, तो हमारे जो इफेक्ट्स है वो रेजिडुअल इफेक्ट हमने देखा, प्लस हमारा दूसरा हमारा एरिया ज्यादा था ये थी। पर उन हमारी प्रॉब्लम ये थी हमारे पास जो मेथड सैंपलिंग का इस्तेमाल किया हमने पैसिव सैंपलिंग किया और उन लोगों ने जो सैंपलिंग मेथड अडॉप्ट किया था वो एक्टिव सैंपलिंग मेथड किया था। एक्टिव सैंपलिंग मेथड हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है WHO की तरफ से कि कौन सा मेथड ईयर सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, पर फिर भी ये माना जाता है कि एक्टिव सैंपलिंग मेथड ज्यादा बेटर माना जाता है ईयर के क्वांटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल लोड। पर हमारे पास एक फाइनेंशियल कांस्टेंट थी इसकी वजह से हम एक्टिव ईयर सैंपलिंग मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते। सर एक सवाल ये था कि जैसे इन्वेस्टिगेटर्स जो थे हमारे उनके लेवल पे अगर कोई कंटामिनेशन हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स उसके लिए क्या ख्याल रखा गया? कंटामिनेशन का कोई वो जैसे जब वो वहां से था जैसे हमने एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी लैब के अंदर कर रहे हैं एक तो आप तो कोई चांसेस नहीं थे माइक्रो हमारे साथ जो तुम्हारा जो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही काम किया ज्यादातर इसमें जहाँ से पेटी डिश आई है भाई। दूसरी चीज जब हमने वहाँ से परचेज की जो प्री कल्चर्ड पेटी डिशेज थी LBA और PDA मीडियम की थी और जब हमने अलग किया NIM किए थे तो बाकायदा वो सील्ड होती थी उसकी एक ड्यूरेशन दिया जाता है कि इसको कैसे हैंडल करना है ताकि कंटामिनेट हो कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो बाकायदा उसकी एक SOP है कि आपको जब लेके आओगे तो कैसे इसको हैंडलिंग करना है और कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर आप SOP के को फॉलो कर रहे हो तो कंटामिनेशन नहीं होगा, पर ये ह्यूमन है अगर हो भी सकता है लेकिन फॉलो करना है इंसान को SOP आपको फॉलो करना वो बकायदा उसके लिए SOP रहते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो पाए। दो चीजें सर आपने कही थी कि टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को इस दोनों को लिमिटेशंस आपने बताया था। हाँ, तो क्या वजह रही जबकि ये तो आप जैसे मिजाज की बात कर रहे थे दवाओं के मिजाज की बात और कि याबिस दमाए वो जो एंटीफंगल थी माने थी और फ्रेग्रेंस वाली इन तीनों में टेम्परेचर का ह्यूमिडिटी का तो बहुत अच्छा असर रहता है फिजिकल जो ये इसके पैरामीटर्स है, फिर क्या वजह थी लिमिटेशन के हमने उसको ओवरलुक किया? नहीं लिमिटेशन का फैक्टर ये था कि हमने ये इतना ज़हन में नहीं लिया जब हमने स्टडी स्टार्ट की थी तो हमको ये नहीं था हम इस पर फोकस नहीं किया कि टेम्परेचर हो सकता है टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है हम इसको रिकॉर्ड करें और ह्यूमिडिटी एक फैक्टर होता है जो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी पे माना क्योंकि जब हमने रिव्यू बहुत सारे जब लिटरेचर पढ़ा था हमने देखा कि हाँ ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट रहता है कि जिससे किसी फ्यूमिगेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कम हो जाती है ना, तो हम ये कर नहीं पाए इसलिए हमने कहा कि अगर हम आगे नेक्स्ट करेंगे तो इंक्लूड इट इन आवर स्टडी कि हम टेम्परेचर भी उस टाइम रिकॉर्ड करें हम ह्यूमिडिटी भी देखें कितनी ह्यूमिडिटी थी उस टाइम जब हम देख रहे थे तो हम इंक्लूड नहीं कर पाए थे। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा था वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था कि जो मिजाज के हिसाब से यबूसत है क्योंकि जो कंसेप्ट जो रेशनल उन्होंने बताया और जिस बात कही जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने ताकि सब रतूबत होती है तो उसमें इफूनत ज़्यादा होती है तो ऐसी उन्होंने जब रिकमेंड करी दवा तो ये ताज्जुब हुआ देख के कोई भी दवा ऐसी नहीं मिली जिस जो रतब मिजाज की सारी मिजाज याबिस ही थी तो एक एक रेशनल है जो बात कह रहे हैं उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या जो भी है रिकमेंडेशन उस लॉजिक पर बेस्ड है ये मैं बताना चाह रहा था। एक सवाल सर आया PG स्कॉलर की तरफ से इज देयर एनी रिलेशन ऑफ फ्यूमिगेशन इफेक्ट विद द पार्टिकल साइज ऑफ द डस्ट? इफेक्ट ऑफ फ्यूमिगेशन विद द पार्टिकल साइज ऑफ द डस्ट का मैं समझा नहीं क्या इसमें पार्टिकुलेट उसका पता नहीं मुझे मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया नहीं बता नहीं सकता कि उसका डस्ट पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा है पर मैंने लिटरेचर रिव्यू में या किसी भी स्टडी में इस तरह से नहीं पढ़ा जहाँ पर डस्ट पार्टिकल को मेजर करा गया उसको इंक्लूड किया गया उसके बारे में भी बात की गई।
हाँ नहीं, क्योंकि आपने तो कंट्रोल कर ही लिया था कि डस्ट एडिशनल कुछ ना आए, जो ऑलरेडी उसमें था जब हम वो। वर्क प्लेस में एक क्लोज, क्योंकि हमने जो फ्यूमिगेशन किया हम कन्फाइंड स्पेस में ही करेंगे, हम जब क्या करें कन्फाइंड स्पेस में देखें, तो कन्फाइंड स्पेस है तो जाहिर सी बात है डस्ट तो नहीं आए, लेकिन क्या इफेक्ट होता है ये पता नहीं है। मतलब यार तुम्हें एक सवाल सही से फ्रेम नहीं है तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर उन्होंने मुझे फिर पता लिखा है नहीं। कि डस्ट मींस एरोसोल्स, कि साइज से कोई कोई रिलेशंस हो पाया क्या उसका? बायोरोसोर्स की बात कर रहे हैं कि बायोरोसोर्स का साइज अगर कितना है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ जी जी सकता जी है। जी 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 हाँ नहीं, ये डिटरमाइन नहीं किया, हमें पता नहीं। अच्छा सर, इस तरह की स्टडी अगर हम अगर मान लिया इसको कंटिन्यूशन में, क्या कोई कंटिन्यूशन प्रोजेक्ट करना ही हमने तो प्रोजेक्ट के डाल रखा है, कंटिन्यूशन तो करना ही है अगर हमने जैसे तो, हम हमें लोग भी इसको जैसे डिजाइन करना चाहें तो क्या हाँ हाँ सर कर की सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब करेंगे तो जो हमने मेथड की, पहले आप इनविट्रो करिए उसके बाद इनसाइटो वैलिडेशन करिए। हमने उल्टा करा था, पहले इनसाइटो करा था फिर इनविट्रो गए थे क्योंकि हमें मिला नहीं था, तो पहले हमने इनविट्रो करे उसके बाद इनसाइटो वैलिडेशन की तरफ जाएंगे। पहले और इनविट्रो हम डिटरमाइन कर लें किस किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसकी इफेक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट जो एयरबॉर्न पैथोजेंस है हमें इसमें सारे ले लें, क्लचल ले, नमोनिया भी ले लें, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी लें, स्यूडोमोनास ऑरिजिनस भी लें, और रेजिस्टेंट स्ट्रेन लेके उन पर पहले डिटरमाइन कर ले, उसके बाद उसके फ्यूमिगेशन पर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में करें तो ज्यादा बेहतर। किसी भी इसमें जो ड्रेसिंग रूम होते हैं उन एरिया उसको लेके करें कि वहां पर चांसेस ज्यादा हैं वहां पर माइक्रोब्स होने के, तो वहां पर कोई करें। इसमें सर अगर जैसे हम लोग, एक तो आपने कहा कि पहले हम लोग इनविट्रो करें ज्यादा बेहतर रहेगा, दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन और ड्रग सिलेक्शन का मामला हो, नंबर ऑफ ड्रग, टाइप ऑफ ड्रग, तो वो किस तरह से हम लोग आप सजेस्ट करेंगे कि तो मैं बेहतर? ड्रग में बताया ना, ड्रग को जो सेलेक्ट करना था हमने जब रिव्यू किया तो हमें 26 ड्रग्स मिली। अब 26 ड्रग्स पर में से हमने देखा इनमें से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किसमें है, तो हमें 19 में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मिली। अब उस 19 में से हमने देखा सबसे एक्टिव ड्रग्स इस रिव्यू के हिसाब से कौन सी आ रही है, तो जो सबसे एक्टिव ड्रग जिसमें सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रिपोर्टेड थी स्टडीज की, वो ड्रग्स हमने सेलेक्ट करी और ड्रग्स उससे मैच करेंगे। पर हालांकि इसमें एक चीज और थी जो मैं बताऊँ, इसमें ड्रग्स एक संदर और एक ऊद थी। उस संदर और ऊद की वजह से फायदा ये था कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, वो किसी रूम में जब फ्यूमिगेशन करते थे तो 3 दिन तक उसमें उसकी फ्रेग्रेंस रहती थी, और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। संदर और ऊद एक तो कॉस्टली है और ज्यादा अवेलेबल थी, तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स ले सकते हैं, जहाँ संदर ऊद है उसकी जगह हम वज को ऐड कर सकते हैं, हम उस ऊद की जगह हम लोबान को ला सकते हैं, तो कॉस्ट भी कम रहेगी और उसकी और ट्रेडिशनल की वजह को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी, ट्रेडिशनल से हम असर वैलिडेट तो कर सकते हैं लेकिन एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई भी नहीं, अब कोई भी नहीं घरों में फ्यूमिगेशन करेगा ट्रेडिशनल मेथड से, या तो बहुत सारे अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वेपर्स आते हैं जिसमें आप मंत्रों में देखेंगे तो कैम्फर उसमें रखते हो, कैम्फर उसमें जला देते हैं, तो बहुत कैम्फर तो आसानी जल जाता है, लेकिन पाउडर वगैरह को कैसे जलाया जाए या इसको किसी फॉर्म में, धूप जैसे धूप बत्ती करके आती है जिसको लोग अक्सर देखो मार्केट में मक्खी भगाने के लिए जो जलाते हैं, इस शेप में हम ला सकते हैं, तो वो करके आ सकता है इसमें कि हम उसको पहले तो किसी ऐसी फॉर्म में लाएं जिसकी यूजेबिलिटी ज्यादा हो, स्केलेबिलिटी ज्यादा, यूजेबिलिटी ज्यादा हो, लोग इस्तेमाल कर सकें, तब तो उसको हम असेस करें। इसका सर हम लोग कुछ जैसे ग्लूटरल आता है, फिनॉल आता है, या प्रोबाटिन आयोडीन के कुछ वो फ्यूमिगेशंस में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की चीजों से कंपेरेटिव भी कर सकते हैं क्या आप, आपकी स्टडी को बेस बना? कंपेरेटिवली थे, पर इसमें क्या था हमने उसमें फॉर्मेलिन पोटेशियम परमैंगनेट से कहता, पर अब फॉर्मेलिन पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, रिकमेंड नहीं, तो हमें बेहतर ये कि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 वेपर्स से कर सकते हैं, या ट्राइथलिन ग्लूकोल वेपर्स आते हैं रूम डिसइंफेक्शन के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए, वो कंपेरेटिव के तौर पर लिया सकते हैं। और एक जो आपने कहा था कि एक्सट्रैक्ट जो आपने निकाला था वो वाला ज्यादा इफेक्टिव था, अल्कोहल शायद बेस्ड था, क्लोरोफॉर्म 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 एक्सट्रैक्ट किया में था, क्लोरोफॉर्म था, तो से। आगे और अगर हमने हम जी हाँ बेस्ड उसको फर्दर स्टडी उसको फर्दर इवेलुएट कर उस पे डिफरेंट, और क्योंकि हमने तो सिर्फ स्पेसिफिक स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास ही लिया है, आप और भी ज्यादा स्ट्रेन उसमें इंक्लूड करके उसको उसको ले सकते हैं, आप क्लेस्ट्रॉल न्यूमोनिया ऐड कर लीजिए, आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में ऐड कर लीजिए, बहुत सारी आप स्ट्रेन डिपेंडिंग करता है कि आपके पास आपके फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, टाइम कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
इसमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स वगैरह क्या रिक्वायर्ड होते हैं सर स्टडी अगर हम बस आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक चाहिए, लैब चाहिए और बाकी फैसिलिटी जहाँ पर आपकी कोई भी, मुझे लगता है बहुत सारी लैब अवेलेबल है जो एंटी माइक्रोबियल ऐसे कर सकते हैं। इवन की CCRM के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ पर शायद एंटी माइक्रोबियल ऐसे होते हैं। और ये जो स्ट्रेन है ये तो कहीं से भी किसी भी उससे चंडीगढ़ से, जैसे हमने चंडीगढ़ से उसने मंगा के दिए थे, तो ये स्ट्रेन तो मिल जाते हैं। एंटीवायरल करने पे थोड़ा सा मसला आता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल पे कोई मसला नहीं है। पार्टिसिपेंट अगर बहुत सारे सवाल जो लोगों के आए वो जो मैं पूछ रहा था वो ज्यादातर लिख लिख के लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, फिर भी किसी को अगर सवाल पूछना हो तो एक दो मिनट हम ओपन है, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक नया ओरिएंटेशन इस सेंस में था। राघिब को सवाल करना है आपको, आप अनम्यूट कर खुद को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल में हो तभी वो जो कि मखसूस बैक्टीरिया को हम देख पाएंगे वहाँ पर, हम ऐसा नहीं कर सकते सर कि उसका जो है खास बैक्टीरिया का कुछ इस टाइप का हो जो सैंपल ही उस रूम में ऐसा खरीद के कुछ ऐसा बाजार में मिलता हो कि जिसको उस रूम में रख दें तब करें, उसके लिए हॉस्पिटल ज़रूरी ना हो, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल रहेगा उस तरह से करना, क्योंकि हॉस्पिटल में शायद कुछ इस टाइप का मिलता है सर। नहीं स्ट्रेन तो मैं बताया ना, स्ट्रेन तो मार्केट में मिलता ही, आप उसको इनविट्रो कर सकते हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है आपको बैक्टीरिया मिले और आपने हवा में छोड़ दिया है ना, इसके लिए बाकायदा लैब होती है BSL-3 और BSL-2 बायोसेफ्टी हॉस्पिटल का आप कह रहे थे सर, ये हॉस्पिटल में ये मुझे चांसेस है कंटामिनेशन के चांसेस हो हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल भी नोजोकोमल इन्फेक्शन कितना कितना एक कॉमन सी प्रॉब्लम, अगर आपके पास आपको पहले आइडेंटिफाई या आइसोलेट सिक्वेंसिंग करा के देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है या नहीं है और उसके बाद वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अगर वैसे आपको करना है तो लेबोरेटरी में तो आपको मिल ही जाएगा बहुत सारे जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है वो हर जगह मिल जाएंगे, वहाँ लेबोरेटरी से आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। आप इनविट्रो तो आप कर ही सकते हो, मसला मेरे कि रियल सेटिंग में करना, फ्यूमिगेशन को देखना है, वेपर फेस में देखना है, या तो आपके पास बहुत सारी एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तब कर सकते हैं ना, या फिर आपके पास भाई इसको हॉस्पिटल सेटिंग्स में, तो मैं कहने का मकसद ये था कि आप जहाँ पर उसको अप्लाई करना है वहाँ पर आप यूज करिए, कि बेनोजर कोमेल पे या सर्जरी OT है, सर्जरी OT में जाने के बाद आपको फ्यूमिगेशन नहीं करना देगा, लेकिन मकसद तो वही है ना, वहाँ पर भी ये कंटामिनेशन जो है या नोजोकोमल इन्फेक्शन है या जो वार्ड्स हैं वहाँ पर नोजोकोमल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो होते ही वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए अगर हमारी ये इफेक्टिव होती है फ्यूमिगेशन इफेक्टिव होता है तो उसके कंट्रोल में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सर ये आपने बताया कि वो 1 मीटर दीवार से दूर और 1 मीटर, ये पुरानी स्टडीज में ये अडॉप्ट किया गया था पैसिव सैंपलिंग के लिए कि जब जमीन पे रख दें तो उसमें ये उसका मकसद ये है कि जो पैसिव सैंपलिंग क्या है, एक आपने प्लेट ली और प्लेट लेके ऐसे रख दी है ठीक है, उसमें जो एयर उस पर आ रही है वहां पर एड हो रही है वो है, इसलिए उसका मैक्सिमम एक्सपोजर होगा, ये इसका लॉजिक है कि फ्लोर से दूर रहे, बीच सेंटर सेंटर ऑफ द रूम में रहे, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो 4 कॉर्नर है कमरे के, उस 4 कॉर्नर में एक एक प्लेट रखते हैं और एक प्लेट सेंटर में रखते हैं, 5 प्लेट इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज आप एक रूम में 5 बार रख रहे हैं, 5 प्लेट रख रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद फिर 5 रखनी है, फिर 4 घंटे बाद फिर 5 रखनी है, तो नंबर ऑफ प्लेट जब बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी आपकी एक्सपेरिमेंट की बढ़ जाती है, तो डिपेंड करता है आपके पास जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आपको काम करना है। इसलिए हमने सिर्फ एक प्लेट ली थी जिसको सेंटर में रखा था, फ्लोर से दूर ऊपर रखा था, वॉल से दूर रखा था, ये एक वजह थी कि सब हमने एक प्लेट रखी थी। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। सर एक थोड़ा सा हटके सवाल ये है आया अभी कि ये तो आपने प्रिपेयर ड्रग्स और उसके फ्यूमिगेशन के थ्रू इस्तेमाल किया, बहुत सारी ड्रग्स अभी हर्बल जो है हर्ब्स जो है ना प्रोपगेट की जा रही है इंडोर प्लांट्स के तौर पे, अगर उसको घर में आप रखते हैं तो वो भी माइक्रोबियल इफेक्ट रखती है, इस पूरे प्रोसेस में क्या यूनानी में कहीं इस तरह की अभी तो हमें तो इस तरह से कोई वो नहीं, बस मुझे अभी तक सिर्फ एक ड्रग मिली है जिसका हम आगे काम करना चाहेंगे, आप करना चाहें तो करें, हमको हींग के बारे में मिला है, हींग जहाँ पहले इसमें खेतों पर रख दी जाती थी और खेतों में रखने के बाद वहाँ जितने भी कीड़े मकोड़े होते वो भाग जाया करते थे हींग के बारे में, तो हम इसको इंसेक्ट रेपेलेंट एक्टिविटी के तौर पर हम इसको नेक्स्ट उसमें कभी इवेल्युएट करेंगे,
आप टेकअप करना चाहें आप उसको ले सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी हो सकती है, पर इंडोर प्लांट्स की क्या वो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पता नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा हमने और पता आगे पता भी नहीं चाहिए इसके बारे में। शुक्रिया सर। कोई सवाल आप अगर कोई पार्टिसिपेंट है तो जल्दी जल्दी पूछ लें। आज हम डॉक्टर मलिक इत्र साहब को सुन रहे थे, हमका टॉपिक था पोटेंशियल यूनानी हर्ब्स और एयर डिस्ट्रीब्यूशन। शाकिर भाई कुछ सवाल करेंगे, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शाकिर साहब निकल गए, खैर प्रेजेंटेशन इस माने में मुनफरद था, अलग इसलिए था कि अभी तक जितने भी प्रेजेंटेशन थे वो बहुत सेंट्रिक मेजर्स पे थे। तो कंटेनमेंट के दो टाइप सर ने बताए, एक केस सेंट्रिक मेजर्स हैं और एक होस्ट सेंट्रिक में। कुछ बोलना चाहेंगे शाकिर साहब तो म्यूट अनम्यूट करके आप। जी सर। जी सर। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और आज का जो टॉपिक था उस पर जो भी इंफॉर्मेशन, बड़ी नई इंफॉर्मेशन मिली जो भी टॉपिक दिया गया था, और फुल्ली लेक्चर से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं लोगों के रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर साबित होगी या कहीं ना कहीं इस कंटेमिनेशन को, इस वबा को दूर करने के लिए कारगर साबित होगी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, शुक्रिया आपका। मलिक भाई की दोनों स्टडी, पहली स्टडी जो आपने करा था तिरिया के वबाई पे 10 साल 15 साल हो गए किए हुए उसको, अब आखिर उसकी उसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आई किसी को इम्यूनो स्टिमुलेटर के तौर पे, और यकीन रखते हैं कि ये खुद की स्टडी जो आपने पहली इनिशिएट करी यूनानी में किस तरह से इसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, हम लोग सोच भी रहे थे। और जो आपने कहा कि आयुर्वेदा का एक आया था जो लोग जिस तरह से धूप देते हैं ना हवन करते हैं, उस तरह से उनकी स्टडी आई थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि जब उसके बाद जो आपका पेपर आया कि एनआईएम से उसके आपका पेपर आया कि आपने रिसर्च करवा दी उस पर, तो इस मामले में एक शुरुआत और पाथ बेरर रहेगी ये स्टडी। और खास के जो आपने कॉज सेंट्रिक मेजर्स को लिया, जब बहुत कम काम यूनानी में हो चुका है जबकि फिजिकल मेजर्स का जिक्र बहुत ज्यादा यूनानी में, हमने उसको वैलिडेट करने में पीछे हम लोग रह गए। और एक जो बहुत अच्छा, खास के इसको हम लोग लिटरेचर रिव्यू के तौर पे भी देख रहे हैं कि हमारे पीजी का एक वबा पे का वो है, उनकी थीसिस है कि आपने मिजाज से जो कोरिलेशन किया उसका कि ज्यादातर जो दवाएं थी वो बेशतर जो है याबिस थी, उसमें कुछ हार भी थी और बारिद भी थी लेकिन याबिस थी, माने अफुनत के साथ साथ फ्रेग्रेंस खुशबूदार जो कॉन्सेप्ट बना कि भाई उन लोगों ने जो उस वक्त तसव्वुर रखा था कि ये एयर को करेंगी तो उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म उनके दिमाग में था, एक बहुत ही ओरिएंटेशन के साथ बेसिक स्टडी। मेरा यकीन है कि ये आगे की बहुत सारी स्टडीज के लिए बेस बनेगा। आज की आज का जो प्रेजेंटेशन था हम सब के लिए बहुत अच्छा था इस सेंस में। इंशाल्लाह एक दो और प्रेजेंटेशन जो इस पे आने हैं वो अगली किस्त में हम लोग देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन के लिए, वक्त निकालने के लिए। हर जगह अभी यूनानी के सारे कॉलेजेस में एडमिशन का सिलसिला चल रहा है, उस दौरान ज्यादातर फैकल्टीज हमारी बिजी है उसमें काउंसलिंग में, फिर भी वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो जुड़े इस प्रोग्राम में। शुक्रिया।